भारत के राष्ट्रपति सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना राजेंद्र बाबू के प्रारंभिक जीवन और राजनीति में पर्दापट से लेकर कृषि एवं खाद्य मंत्री बनने तक के सफर के बारे में, और इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के सफर के बारे में। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि राजेंद्र बाबू को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन असल में बातें इतनी सरल नहीं थी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं उस समय के राजनीतिक समीकरणों को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि और गवर्नर जनरल को अब देश की बागडोर भारत के राष्ट्रपति को सौंपनी थी। दरअसल 1949 के मध्य तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो रही थी और साथ में राष्ट्रपति चुनने की आवश्यकता भी निकट आ रही थी, और इस पद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को प्राथमिकता दी, और नेहरू इस बात को मान चुके थे कि शायद ही इस बात का विरोध हो। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजगोपालाचारी की जगह संविधान सभा के अध्यक्ष बिहार के कांग्रेसी राजेंद्र बाबू का समर्थन किया, और यहीं से देश के पहले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नेहरू और पटेल के बीच मतभेद शुरू हो गए। नेहरू का राजेंद्र बाबू को समर्थन ना करने में कई वजहें शामिल थी, जिसमें सबसे दिलचस्प वजह तो ये थी कि राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र दिवस की तारीख को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन अशुभ लग रहा था। खैर, कुछ लोग इसे नेहरू और पटेल के बीच की राजनीतिक युद्ध भी मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरदार पटेल नेहरू की शक्तियों पर विराम लगाना चाहते थे। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को राजेंद्र बाबू को एक पत्र लिखा और ये कहा कि उचित होगा कि राजा जी यानी राजगोपालाचारी ही राष्ट्रपति बने, जबकि आपके राष्ट्रपति बनने पर कई बदलाव करने होंगे। और इस पत्र का जवाब राजेंद्र बाबू ने सीधे शब्दों में नेहरू को दिया कि वे जुझारू हैं और राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर होने से इनकार करते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से सरदार पटेल ने नेहरू को कभी ये भनक नहीं लगने दी कि वो राजेंद्र बाबू के पक्ष में एक बड़ा बहुमत खड़ा कर चुके हैं। 5 अक्टूबर को जब नेहरू ने बैठक बुलाई और राष्ट्रपति के लिए राजगोपालाचारी के नाम का प्रस्ताव रखा, वहां उपस्थित सांसदों द्वारा इसका विरोध किया गया। और इसी विरोध के बीच जब नेहरू ने समर्थन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का रुख किया, तो पटेल ने भी नेहरू का समर्थन नहीं किया। अस्तब्ध नेहरू ने भाषण बंद कर दिया और यह तय हो गया कि राजगोपालाचारी के राष्ट्रपति बनने की संभावना समाप्त हो गई। खैर, ये भी विडंबना रही कि राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सी राजगोपालाचारी ने ही राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और उनके ताकत और समर्थन की कामना करते हुए एक बधाई पत्र भी लिखा। इसके साथ ही हारने के बाद राजगोपालाचारी ने संन्यास की घोषणा कर दी, और इस तरह से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू ने अपना पदभार संभाला। खैर, इसके बाद देश में पहली बार 1952 में आम चुनाव हुए। संसद में नए प्रतिनिधि आए तो राष्ट्रपति चुनाव भी दोबारा हुए, और इस बार भी नेहरू राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ ही थे। वजह था हिंदू कोड बिल, जिसे लेकर दोनों में मतभेद था। इस बार नेहरू की पसंद थे प्रोफेसर केटी शाह श्रमिक संगठनों से जुड़े थे और 1938 में नेहरू के नेतृत्व में बने पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी। खैर, राष्ट्रपति चुनाव हुए, लेकिन इस बार भी राजेंद्र प्रसाद बड़े अंतर के साथ जीते और राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि इस राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 65 सांसदों और 489 विधायकों ने वोट नहीं डाले। माना यह जाता है कि राजेंद्र बाबू का जीतना तय था, इसलिए लोगों ने वोट डालने की जरूरत नहीं समझी। खैर, ये तो थी कहानी राजेंद्र बाबू के पहले बार राष्ट्रपति बनने की। 1957 में फिर से आम चुनाव हुए और एक बार फिर राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, लेकिन ये भी कहानी इतनी सरल नहीं थी। इसकी कहानी हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में, साथ ही राजेंद्र बाबू के जीवन से कुछ जुड़ी और दिलचस्प जानकारियाँ भी साझा करेंगे। आशा है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।